है ट्रॉमा सेंटर में, जिसमें एक की हालत नहायत ख़राब है, वो वेंटिलेटर पे हैं क्योंकि उन्हें सीने का जो है प्रेशर से वो उनका सीने के अंदर जो है ज़ख्म हुआ है, तो वो उसको वेंटिलेटर पे डाला गया, उसके लंग्स जो हैं काम नहीं कर रहे पूरी तरह, और हेड इंजरी भी है, और बाकी जो हैं एक जो है जो ऑब्जर्वेशन में है और बाकी स्टेबल हैं, इंशाल्लाह एक आध दिन में वो भी डिस्चार्ज हो जाएंगे। मुझे बड़ा अफसोस हुआ है, मैं समझती हूँ हमारे लिए एक नेमत है कि यहाँ हमारे जो ज़ख्मी होते हैं लोग उनको यहाँ ला के बहुत अच्छी तरह से उनका इलाज किया जाता है। मैं खराज तहसीन पेश करती हूँ डॉक्टर्स को, जिन्होंने बहुत ही बड़ी मेहनत से अब तक जो है मैनेज किया है। यहाँ की मैनेजमेंट ने भी उसमें बड़ा हिस्सा है कि उन्होंने यहाँ जो है बड़ी सहल तरीके से उन्होंने लोगों की को हैंडल किया है जो ज़ख्मी हैं और जो अमवात हुई हैं उनको। मुझे ये लगता है कि जब कोई इस तरह का सानिया होता है उसमें बड़ी अफरा तफरी हो जाती है और उसको मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली लोगों के जो है तास होते हैं वो बहुत ट्रॉमेटाइज होते हैं, वो उनके अंदर एक खौफ और हरास भी होता है और उसके साथ साथ उनके उनको गम और गुस्सा भी होता है कि इस तरह का क्यों वाकया हुआ है। तो मैं इसको हैंडल करना बड़ा ज़रूरी था कि बहुत तहम्मुल के साथ इसको हैंडल किया जाए, और यही इन्होंने किया है ट्रॉमा सेंटर में। अल्लाह खैर करे, हम सोचते हैं कि ऐसे कुछ साने नहीं हों हमारे मुल्क में, हमारे शहर में, और जो है आगे चल के इस तरह की किस्म की अगर भी कोई होता है अल्लाह न करे, तो यहाँ ट्रॉमा सेंटर जो है मौजूद है जिसमें बहुत सारी सहूलियात मौजूद हैं। जो जख्मियों की तशवीश हालत बताइए, उनकी तादाद आपने कितनी बताई? एक मैंने अभी बताया, एक वेंटिलेटर पे है, एक ऑब्जर्वेशन में है। थैंक यू। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।